आदमी पार्टी के विधायक अमान तुल्ला खान को प्रवर्तन ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। एजेंसी ने उनके घर पर छापेमारी की और उनसे 6 घंटे तक पूछताछ की। सोमवार सुबह अमान तुल्ला खान ने एक्स के जरिए जानकारी दी थी कि केंद्रीय एजेंसी ने उनके घर पर रेड मारी है और उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ईडी बीजेपी का हथियार बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि तानाशाह के जुल्म के आगे क्रांतिकारी नहीं झुकेंगे। बीजेपी की ईडी ने फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के विधायक अमान तुल्ला खान को हिरासत में लिया है। बीजेपी हमें जितना दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी आवाज उतनी मुखर होगी। आप विधायक अमान तुल्ला खान पर आरोप है कि दिल्ली बक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए 2022 में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से बोर्ड में भर्ती किया था। एसीबी जांच में पता चला कि 32 लोगों में 5 रिश्तेदार और 22 ओखला निवासी थे। ये नियुक्तियां सरकारी नियमों को ताक पर रखकर की गई थी। तत्कालीन ईओ ने इन अवैध भर्तियों के खिलाफ ज्ञापन जारी किया था। आरोप ये भी है कि खान ने बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध तरीके से किराए पर दिया गया। एफआईआर में आरोप था कि बोर्ड के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उधर साल 2020 में राजस्व विभाग ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें कहा गया कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 41A के तहत खान वक्फ बोर्ड के सदस्य और अध्यक्ष नहीं रहे हैं। इसके बाद सीबीआई ने वक्फ बोर्ड घोटाले में एसीबी की एफआईआर को आधार बनाकर अलग से केस दर्ज किया। सीबीआई ने अमान तुल्ला समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 21 अगस्त 2022 को चार्जशीट दाखिल की। सितंबर 2022 में एसीबी ने अमान तुल्ला खान से पूछताछ की। इसी दौरान केस में ईडी की एंट्री हुई और पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया गया। ईडी ने इसी साल जनवरी में 5000 पेज की चार्जशीट दायर की और जावेद दाऊद कौसर और जिशान को आरोपी बनाया। साथ ही पार्टनरशिप फार्म स्काई पावर भी आरोपी थी। ईडी का कहना था कि अमान तुल्ला खान ने गलत तरीके से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची। एसीबी की रेड के दौरान आरोपी कौसर की डायरी में 8 करोड़ रुपए की एंट्री का भी जिक्र था। साथ ही कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग में अमान तुल्ला शामिल हैं। एसीबी की रेड में अमान तुल्ला के करीबियों के ठिकाने से 24 लाख रुपए कैश और हथियार बरामद होने के बाद खान को अरेस्ट किया गया। हालांकि 28 सितंबर 2022 को उन्हें जमानत मिल गई थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने अमान तुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, वक्फ बोर्ड में भर्तियों के मामले में पिछले 8 साल से सभी एजेंसियां अलग अलग स्तर पर जांच कर चुकी हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला है। केंद्र सरकार के लिए ये बेहद ही शर्म की बात है कि एसीबी और सीबीआई द्वारा जांच के बावजूद ये साबित नहीं हो सका है कि पैसे के लेन देन से भर्तियाँ की गई हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली में सभी सरकारी विभाग खाली रहें, जिससे दिल्ली की व्यवस्था चरमरा जाए। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये लोग इस तरह का दबाव और भी बढ़ाएंगे। बीते कुछ समय से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले आपके कई नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, वहीं अब अमान तुल्ला खान की गिरफ्तारी से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।